बता दें बीजेपी की राज्यसभा उम्मीदवार किरण चौधरी ने दिल्ली में जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। तो वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए श्रुति चौधरी के भविष्य को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ उनका कहना है आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा के उम्मीदवार किरण चौधरी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, उम्मीदवार बनाया गया है और खासतौर पर विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं देखने को मिलता नजर आया। विधानसभा चुनाव नजदीक, उससे पहले रणनीति उनकी किस प्रकार से देख रहे हैं? कहीं ना कहीं मैदान छोड़ते नजर आए। विपक्ष के पास ना तो कोई मुद्दा है ना कोई विजन है, केवल जो है इन फाइटिंग है, एक दूसरे की टांग खिंचाई है, जो है षड्यंत्र है उसको काटो उसको मारो, ये है विपक्ष का काम। और हुडा साहब के नीचे तो सारा जग जाहिर है, सब दुनिया जानती है यही होने वाला है। सारी जगह जो है जहाँ उनके कैंडिडेट उनके हिसाब से नहीं लड़े जाएंगे वहाँ इंडिपेंडेंट लड़ाएंगे दूसरों को हराने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी तो जो है सत्ता में आने का सवाल ही नहीं उठता। कॉम्प्रोमाइज़ की राजनीति जहाँ पर होती है, सेटिंग की राजनीति, वो कैसे आज के दिन पार्टी का नाम कांग्रेस बेशक नाम से रह गई है, बाकी जो है कर्म से तो कांग्रेस है ही नहीं। मैम, अभिनंदन समारोह भी तो शाम में जो है देखने को मिलता नजर आया, किस प्रकार की तैयारी है, किस प्रकार से जो लोग हैं वो शामिल होते हुए जो है नजर आएंगे? कल चौधरी बंसीलाल जी का 97th जयंती है और जो है हम हमेशा जो है धूमधाम से उसको मनाते हैं। तो कल उसी संदर्भ के अंदर जो है लोगों का चाव था और उसमें वो अभिनंदन भी करना चाहते हैं, तो एक इसको एक सम्मेलन के रूप में हम करा करते थे पर वो रैली का रूप जो है हम ले लिया है। तो लोग अपने जो है बहुत प्यार है, बहुत मान सम्मान है चौधरी बंसीलाल जी के प्रति, और हमारा कार्यकर्ता जो है वो सारा एक पर्व की तरह से जो है सारे लोग आते हैं। तो कल नायब सिंह सैनी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं वो मुख्य अतिथि हैं, वो आ रहे हैं, और हमारी जो शीर्ष जो है सीनियर लीडरशिप है, हमारे प्रभारी जो हैं पुनिया जी वो भी आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जो हैं बडोली जी वो भी आ रहे हैं, और हमारे सारे बाकी जो भी जिला अध्यक्ष मंडल प्रधान सारे के सारे वो आएंगे। तो चौधरी बंसीलाल जी का नाम तो हरियाणा के निर्माता थे, आज जो भी हरियाणा है बुनियाद जो है चौधरी बंसीलाल जी की रखी हुई है। तो सारे हरियाणा से जो उनके बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हुए, सुरिंदर सिंह जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये हर साल ये हम करते हैं। और आने कल जो है आप देखिएगा कि अपने आप बड़े चाव से लोग जो हैं आते हैं। कल तो शाम के अंदर ये प्रोग्राम रखा है, अलग अलग विभिन्न प्रोग्राम रखे जाते हैं, कभी सम्मेलन का रखते हैं, कभी रक्तदान शिविर हुआ है, कभी जो है डॉक्टर्स का आए कैंप, ऐसे अलग अलग करते हैं अलग अलग जगह पर। इस बारी क्योंकि चुनाव है और अपना इलाका है, मैं जो हूँ राज्यसभा के अंदर मुझे भाजपा ने भेज रही है, तो इसलिए जो है हरियाणा MLA थी मैं उस इलाके की, तो वहाँ पर ये प्रोग्राम कल जो है 11 बजे का प्रोग्राम रखा गया है। अब आप मैम केंद्र में राज्यसभा में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, तो शाम की विरासत की बात की जाए, वहाँ किस प्रकार की रणनीति जो है अब आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलती हुई नजर आएंगी? श्रुति चौधरी की बात करें तो शाम जो है वो एक परिवार घर है, एक जैसे घर कहते हैं, मैं तो अपना घर मानती हूँ घर, और घर जो होता है घर के जो लोग होते हैं वो परिवार होता है, तो परिवार है वहाँ पे, तो परिवार के हिसाब से हमारा काम होता है, कोई राजनीति वाली बात ही नहीं है। सारे जो हमारे वर्कर्स हैं, सारे जो लोग हैं वो परिवार के सदस्य हैं, और हमेशा से बहुत मान सम्मान प्यार उन्होंने मेरे को दिया है, जिसके कारण मैं हरियाणा के अंदर राजनीति के ऊपर जो है अपना परचम फैला पाई हूँ। तो जो है इस तरह के लोग जब हैं, अपने लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं आने वाले समय के अंदर भी पूरी तरह से उन्हें विश्वास है कि काम जो है करने में हमने कोई कसर छोड़नी नहीं है, उनके हकों की लड़ाई जो है लड़ने में हम सक्षम हैं। और आने वाले समय में, अब तो मुझे राज्यसभा में भी भेज दिया है, तो आने वाले समय के अंदर जो है और ज़ोर शोर से जो है उनका जो है उनको हक दिलवाएंगे और उनके काम करवाएंगे। श्रुति जी जो है तो शाम से लड़ती हुई नजर आएंगी। अब जो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो निश्चित तौर पे होगा। श्रुति चौधरी जी का आप जानते हैं कि वो सांसद रह चुकी हैं, और तो शाम हलका जो है वो 9 हलकों का में से एक हलका वो उनका भी था, तो श्रुति तो कोई नई नहीं है तो शाम के लिए, और श्रुति तो अपने पिता दादा के समय भी, पिता के समय भी,
चुनाव प्रचार के अंदर छोटी सी थी जब से जाया करती थी, चौधरी बंसीलाल जी तो साथ में अपने उसको उस पर भी बिठाया करते थे स्टेज के ऊपर भी, और मेरा तो सारा जब से मैंने चुनाव लड़े हैं चारों चुनाव तो श्रुति ने संभाला है, तो शाम का तो श्रुति तो शाम का वो तो शाम में श्रुति को तो बेटी के रूप में बहन के रूप में मानते हैं। शुक्रिया। किरण चौधरी जी थी जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रही थी, कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।